यकीन मानिए दर्शकों, तुम जो इस वक्त सांस ले रहे हो, उन्हीं सांसों की मदद से अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कैसे करना है, ये आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर। सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं, उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चल रही होती है। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है, उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के अश्लील गंदे विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वह बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितने भी प्रतिक्रिया होती है, वो सब उसके सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती है। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करना, जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। आनंद जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली रहती है, ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते हैं, उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांत से सुलझाते हैं, और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद, अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, ये सब भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपने सांसों को समझना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को दें, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। या तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए
प्रकृति ने हमें सांसें दी है। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त हर समय ध्यान लगा सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कोने कोने से टकरा रही है। और जब हम निरंतरियां देखने लगते हैं तो हमारे विचार सड़ने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना आनंद। जब भी वह सोता है तो उसके पेट से सांसें चल रही होती हैं, इसलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहें कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य होना, गुस्सा ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना, यह सारी भावनाएं, या फिर कहें कि गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक हैं, अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और यह सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं, इनका विज्ञान होता है। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर्मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने यह तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हाँ, तो उसके लिए क्या तरीका है, कौन सा तरीका है, या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कुछ गंदगी है, तो वह शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसीलिए यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो, और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती हैं। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती हैं। इसलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है, और इसलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ रहता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि यह हर समय लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब बात प्राण ए आम की आती है, तो प्राण ए आम सुबह सुबह करना चाहिए। जब पेट खाली होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का यह सृजन का समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए, तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिसोल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे, तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा।
जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान दिखाते हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा हो सकता है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और यह कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी श्वास जीवन की नींव है? आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है? आपके भविष्य में क्या होगा? आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है? यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती है, उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा, और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है, तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है। और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो, आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते ही होंगे, जब वह सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वह गहरी सांस ले रहे होते हैं और वह खुश रहते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है, तब यह श्वास छोटी हो जाती है, और जब यह सांस रुक जाती है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर, यह सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और यह ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए, तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है। यानी जो मांगोगे सौ मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए आज हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। यह आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, तो यह ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका एक नियम है जो जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले 15 सांस लें, यह आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेगी। फिर 35 सांस आप लेंगे, जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांस का प्रयोग करेंगे। यह 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हम तीसरी आंख पर ले जाए, और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है, उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो, आप बैठे हो या लेटे हो। केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप जिस भी अवस्था में इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसी अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। साधकों, इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे आपकी श्वास आपकी नाभि पर जाकर ऊर्जा बनाएगी, और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होगा। और जो भी अनुभव आपको होता है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाए। बंद आंखों से आपको कोई विचार नहीं करना है, केवल जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करते चले जाए। बिल्कुल शांत हो जाओ, शरीर में कोई भी हलचल ना हो पाए, कोई भी चिंता नहीं। आपने जीवन में बहुत प्रयास किया, लेकिन आज का वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस वीडियो का प्रभाव आपको 24 से 48 घंटे के भीतर नजर आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद रखिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए, और इसी स्थिति में सांस को लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। अपने शरीर से अपने बाहर को खत्म करने की कोशिश करें।
अपने आप को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल शांत यह महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जाओगे, आप अपने शरीर के भीतर जाओगे। आज आप अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। आज आप इस संसार से दूर चले जा रहे हो। आज आपको आनंद का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए। किसी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आइए, जहां से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को बंद आंख से देखने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन की आंख से अपनी नाक को देखते रहिए, उसे महसूस करते रहिए और श्वास बाहर आ रहा है। यह छोटा सा बिंदु है आपके भीतर, सांस को अंदर बाहर यही कर रहा है। ऐसे ही बने रहिए। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है, आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है। इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं, अपने पूरे शरीर को महसूस करें, अपने पेट को महसूस करें, अपनी छाती को महसूस करें, अपने दोनों बाजू को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को महसूस करें, अपने दोनों पांव को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाते रहे, बिल्कुल शांत हो जाए। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर करिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रुकिए, अब धीरे से बाहर। अब एक गहरी सांस अंदर तुरंत बाहर, एक और गहरी सांस अंदर तुरंत बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले आए, अपने पेट के हिस्से को महसूस करें। ऐसे ही अपने पेट पर अपने ध्यान को बनाए रखें। महसूस करें कि जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। पेट के ऊपर और नीचे जाने की गति पर अपना ध्यान बनाए रखें। सांस को नाक से लेते रहे और नाभि पर महसूस करते रहे। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए सीधा आपके पेट में जा रही है। ऐसे ही ध्यान में बने रहे, बिल्कुल शांत, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए। सांस लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही बनाए रखे। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर और सांसों पर बनाए रखें। आपकी नाभि पर आपको अब कुछ महसूस हो रहा है, शायद कुछ बिंदु की तरह है, कुछ हवा की तरह है, कुछ खिंचाव की तरह है। आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही सांस भी लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखे। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है, केवल एक हवा ही आपके शरीर के भीतर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब एक और गहरी सांस अंदर तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़िए। सांस, अंदर सांस, बाहर सांस, बाहर सांस, अंदर सांस, बाहर, फिर से सांस, अंदर सांस, बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल अपनी सांसों की गति को देखते रहिए। केवल उन्हें ही देखना है। जबरदस्ती सांस अंदर बाहर नहीं करना है। केवल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते रहे। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है या शांत हो रहा है? आपका शरीर हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का। कोई बाहर नहीं, कोई वजह नहीं। अपने शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। अपने शरीर में लगने वाली ठंडी हवा महसूस कीजिए। आपके विचार शांत हैं, आपका मन शांत है, आपके आसपास शांति बनी हुई है, आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, आप इस संसार से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने सर पर ले जाएं, अपने सर को महसूस करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आए। अपने चेहरे को महसूस करें, अपने चेहरे को महसूस करते रहे।
ऐसे ही केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से को अपने ध्यान में महसूस करें। अब केवल अपने सर को और चेहरे को ही महसूस करें। बाकी के शरीर से अपना पूरा ध्यान हटा लीजिए, इसे ढीला छोड़ दीजिए। केवल आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके सर में आ चुकी है। आपका सर आपको ध्यान में महसूस हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है कि आप एक हवा के गोले हो। केवल हवा के गोले आपका सर शांत हो रहा है। आपका दिमाग शांत हो रहा है। आपके विचार शांत हो रहे हैं। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे, सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। केवल इसे महसूस करते रहे। अपने ध्यान को अब अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, यानी अपने तीसरे नेत्र पर यह महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तब आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। सांस अंदर जा रहा है, खिंचाव माथे पर हो रहा है। इसे महसूस करते रहे, इसे देखते रहे। खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता है। इस खिंचाव के भीतर डूबने की कोशिश करें। आपको ध्यान में जो अंधेरा नजर आ रहा है, इस अंधेरे को दूर से देखो, बड़ी दूर से देखो। यह बहुत ज्यादा गहरा है। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं। आप अंधेरे के बीच में हैं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में आगे जाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही अंधेरे में डूबते चले जाओ। आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान गहरा हो रहा है। आप गहराई में जा रहे हैं। आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो चुकी है। आपकी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो रहा है। यह खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी की मदद से आपका ध्यान गहरा हो रहा है। सांस भीतर लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। बिल्कुल शांत हो जाइए। कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं। अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। केवल अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ऐसे ही बनाए रखें। अपने ध्यान में ऐसे ही देखते रहे। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस कीजिए। अपने शरीर में हलचल कीजिए। अब दोनों हाथों को मिलाएं, अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो यह श्वास आपके शरीर में ऊर्जा बनाना शुरू कर देती है। जब नाभि पर ऊर्जा बनती है तो यह ऊर्जा अपने आप ही ध्यान की मदद से ऊपर की तरफ उठती है, यानी आपके तीसरे नेत्र की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जहां से आपको दिव्य अनुभव आते हैं, ज्ञान के अनुभव आते हैं, ध्यान में गहराई आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? ये तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य यह है कि हमारी प्राण और ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें। अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मरने पर तो यह हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो हमारी सांस है इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तब से यह सांसें चलना शुरू हो जाती है, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर यह सांसें बंद होती है। यह सांसें बंद, देखो, जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन जो हमारी सांस है, ये बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती है, तो इसको आराम नहीं मिलता है। और जब इसको देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है और सांस को हम क्या कहते हैं? ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना, यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी चाहते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है
वह परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगो वही मिलता है। लेकिन अच्छी चीज बुरी चीज को नहीं दोस्तों। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तर्पण होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वह आपको दे देता है। चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताते और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे छोड़ेंगे, मतलब सांस लेंगे रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे, ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांस हमें गिनती की मिली है, एक ज्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया, तो 5 मिनट कम सांस लिए, आपने 5 मिनट कम खर्चा किया, तो आपकी 5 मिनट की रोज सांस बच गई, 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वह बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी, फिर यह मिनट घंटों में बदल जाएगा और घंटे दिन में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये कैसे बढ़ती है ये भी बताता हूं। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं, मान लो बार बार लेते हैं, समझ लो यदि आप 12 सांसें ले रहे तो जितनी आपकी सांसें कम हो रही है और 12 की बजाय आप 18 ले लेते हो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ले रहे हो, जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है। और तो और सांस को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है वही यह सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे वो बिल्कुल दोबारा से फ्रेश तरोताजा हो जाते हो। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज में लगाते हो और वह तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी, आपका आलस दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो, मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वह सोई पड़ी है, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वह सारी शक्तियां रुकती हैं, क्योंकि वह सारी शक्तियां जाग जाती हैं। क्योंकि यह जो प्राण शक्ति है यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, यह इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब यह अंदर रुकती है ना, वह सारी शक्तियों को जगाती है, और जब वह शक्तियां जागती है तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से अगला लाभ होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय यह अपना काम करती है। आपके रोम रोम में यह प्राण शक्ति जाती है, और जब यह रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है। चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप प्रतिदिन यह अभ्यास जरूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो यह नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएगी तो यह मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वह भी रुक जाएगा।
यानी वह मन आपका ठहराता है और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेगा जो हमने अभी आपको बताए। तो आप यह प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें। जैसे आज हम आपको करवाएंगे तो 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे, तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं लेकिन उनको नींद आती है तो नींद आ रही हो तो ये अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब यह मन और प्राण जब एक हो जाता है तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ एक हो गए, और कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाभ है, और इससे कुंडली में शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वह प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडली में शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चलिए यह 5 मिनट का अभ्यास करेंगे, 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, राइट की हड्डी सीधी, सांस भरो और रुको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है, 10 सेकंड, 15 सेकंड सब रोक लेते हैं। ज्यादा कोई नहीं रोक सकता है तो रोक लो, अन्यथा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी ले, सांस लंबी रोके और सांस लंबी छोड़े। आप भी करो, जब सांस रुकती है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाती है, क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका फूल उठता है। लगातार हर सांस को लंबा ले और रोके और छोड़े। 2.5 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाओ तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को रोको। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी, और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है, और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है, लगातार करते रहो। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखो 1 मिनट में आप 12 सांस ले रहे थे, अब मुझे लगता है कि उस मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 ले रहे होंगे, तो हर मिनट में आपकी 5, 6, 7 से बच रही हैं। यानी कि 6, 7 बार करके देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं, रिलैक्स हो जाओ, और सच बता रहे हैं हमें तो इतना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है अंदर, शरीर में पूरे थकावट टेंशन सब दूर हो गए। जब हम भी बहुत ज्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो सांसों से जुड़ते ही प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम सांस को रोकने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करते हैं। आप हमें सच बताना अभी कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आनंद आया या नहीं, नींद भागी या नहीं, आलस्य दूर हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको कैसा महसूस हुआ है। क्योंकि इसका एक लाभ नहीं है, इसके लाभ बहुत बहुत ज्यादा है। ये तो थोड़े से लाभ हमने बताए हैं, पूरे बताए भी नहीं। अभी जो आपने 5 मिनट सांस रुकने का अभ्यास किया, यदि आप नॉर्मल सांसों का ध्यान करना चाहते हो तो करते रहो, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन आप अपने आप सांसों का ध्यान करते रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो भी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्ध।